आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ वर्कशीट टू। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 7 डेज की और उसके टेम्परेचर की, 7 डेज में कितना टेम्परेचर रहा वो। इसमें एक जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें गिवन है, डेज और टेम्परेचर। तो इसमें डेज जो है वो इंडिपेंडेंट है, इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? डेज पे। इट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमें इसे ग्राफ पे शो करना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं। एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल लाइन, राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इसका ग्राफ बना रखा है। कैसे बनाया है? डेज को मैंने एक्स एक्सिस पर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डेज। टेम्परेचर को मैंने वाई एक्सिस पर लिया। ठीक है, अब 0 के बीच में 10 तक मैंने किंक लगा रखा है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो 10 से स्टार्ट हुआ है। 0 के 10 के बीच में कुछ नहीं है, 10 से स्टार्ट किया हमने, राइट। अब हम पहले देखते हैं, फर्स्ट डे पर टेम्परेचर था 14, तो फर्स्ट डे टेम्परेचर 14 यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। फिर सेकेंड डे 18 टेम्परेचर, सेकेंड डे से मैंने लिया टेम्परेचर 18, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया। थर्ड डे टेम्परेचर है 16, थर्ड डे से 16 टेम्परेचर यहाँ देखकर, जहाँ पर ये दोनों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मीट करते हैं वहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया। फोर्थ डे टेम्परेचर है 13, तो फोर्थ डे पर यहाँ पर 13 टेम्परेचर यहाँ से देखा मैंने सामने से, और फोर्थ डे यहाँ से देखा, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया। फाइव डे 19 टेम्परेचर, 19 यहाँ से जाएगा यहाँ पर। सिक्स डे 20 टेम्परेचर, सिक्स डे पर 20 टेम्परेचर यहाँ पर। सेवन डे पर 17 टेम्परेचर वो आ गया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैंने पॉइंट बनाए और पॉइंट के बाद इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया। इसके बाद हमें एक और चीज लिखनी होती है ग्राफ पर, स्केल्स। स्केल होता है कि हमने वाई एक्सिस पर कितना डिफरेंस लिया है, किस चीज को डिनोट किया है, और एक्स एक्सिस पर। तो पहले मैंने लिखा ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या है? डेज है। और वन डे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने को? वन डे इज रिप्रेजेंटेड बाय टू बिग डिवीजन ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या है? टेम्परेचर शो हो रहा है। ठीक है, और कितने कितने का डिफरेंस लिया हमने टेम्परेचर पे? 1-1 का। ठीक है, आफ्टर 10, 10, 11, 12, तो 1-1 का डिफरेंस है। तो 1 टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर कितने कितने में शो हो रहा है? 1 बिग डिवीजन से हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे मैंने 2 डिवीजन लिए हैं और इधर मैंने वाई एक्सिस पर एक एक का डिवीजन लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक एक बॉक्स का डिफरेंस छोड़ा है और यहाँ पर 2 बॉक्स का डिफरेंस छोड़ा है। तो इसे ये 2 बॉक्स का जो डिफरेंस है इसे कहते हैं 2 बिग डिविजन्स, डिविजन में एस लग जाएगा। और वाई एक्सिस पर एक एक का है डिफरेंस है, 1 बिग डिविजन है, तो हम लिखते हैं 1 बिग डिविजन। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल फिल्ड इन ए बाइक एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमें गिवन है लीटर्स ऑफ पेट्रोल फिल्ड एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। लीटर ऑफ पेट्रोल, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी? जितना कि आप पेट्रोल लेंगे लीटर ऑफ पेट्रोल पे, तो दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लीटर ऑफ पेट्रोल को हम वाई एक्स एक्सिस पर शो करेंगे और कॉस्ट को हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे।
मैंने कॉस्ट लिखी y एक्सिस पर, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस है, तो ये दिखा रहा है y एक्सिस, शो कर रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पर x एक्सिस पर है कितने लीटर पेट्रोल है, लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने नीचे 1-1 का डिफरेंस लिया है, 1, 2, 3, 4 अप टू 15 लीटर तक ले लिया, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वांटिटी हमें गिवन है वो 15 लीटर दे रखी है पेट्रोल की। और कॉस्ट कितनी गिवन है, कॉस्ट हमें गिवन है 750 हाईएस्ट है, तो 800 तक यहाँ तक ले लिया, ठीक है। अब लेते हैं 5 लीटर की कॉस्ट है 250, तो लीटर नीचे देखा मैंने 5 यहाँ पर है, और 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के बीच वाला पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो 5, 250 दिस इज द पॉइंट, ये क्या शो करेगा, 5 लीटर पेट्रोल और कॉस्ट 250। फिर लीटर कितना है 8 और कॉस्ट कितनी है 400, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर लीटर है 10 लीटर ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट है 500, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है 15 लीटर ऑफ पेट्रोल और कॉस्ट है 750, तो 750 हो गया, 700 और 800 के बीच वाली लाइन ये वाली। फिर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, हमारे जब हमने ज्वाइन किया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है, ठीक है। इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया। अब हम लिखेंगे स्केल्स, तो स्केल किस किस तरह से लिया है वो लिखना है। ऑन एक्स एक्सिस वन लीटर, 1-1 का डिफरेंस लिया है तो 1 लीटर, 1 लीटर इज शोन बाय 1 बिग डिविजन। ऑन वाई एक्सिस, ये आपको ग्राफ के ऊपर ही लिखना होता है, ठीक है, जहां पे भी आपको ग्राफ में स्पेस नजर आए वहां पे लिखना होता है। 100 रुपीज, हमने कितने कितने का इंटरवल लिया, 100 100 का, 100 100 का गैप है कॉस्ट में। ऑन वाई एक्सिस 100 रुपीज इज शोन बाय 2 बिग डिवीजन, और यहाँ पे हमने यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस लिया है, 2-2 डिवीजन का डिफरेंस लिया है, तो 2 बिग डिवीजन। थर्ड क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल विद वायरल फीवर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे आर गिवन बिलो। ड्रॉ द टेम्परेचर टाइम ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डाटा। तो ये हमें गिवन है एक पेशेंट का टेम्परेचर, और इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, डिफरेंट टाइम पर उसका डिफरेंट टेम्परेचर क्या क्या था वो गिवन है। तो हमने टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने एक्स एक्सिस पर ले लिया, और टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हमने वाई एक्सिस पर ले लिया, राइट। अब हमने 6 से स्टार्ट किया, 6 o'clock, 7 o'clock, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तक हमने टाइम ले लिया, और वाई एक्सिस पर हमने टेम्परेचर ले लिया, 2 बिग डिवीजन में लिया मैंने, 100 से हमारा ग्राफ शुरू है, तो इसके बीच में आप किंक लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके किंक बना देंगे एक, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो 100 से शुरू है, 100, 101, 102, 103, 104, 105, वट इज दिस, दिस इज टेम्परेचर इन फेरानाइट, और ये है टाइम इन आवर्स। तो 6 बजे 6 o'clock उसका टेम्परेचर था 101, तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 8 बजे 102, ये वाला पॉइंट, नीचे से हमने 8 देखा और सामने वाई एक्सिस पर हमने 102 देखा। फिर 10 o'clock 103, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर 12 104, ये वाला पॉइंट। फिर 14 100, तो 14 पे हमने 100 देखा यहाँ पर। फिर हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब आप स्केल्स लिखेंगे, स्केल हम साइड में कहीं पे भी, जहाँ हमें ग्राफ में साइड बाय कोई भी स्पेस नजर आता है यहाँ पर, तो हम आप स्केल लिखेंगे, और स्केल लिखना जरूरी होता है। ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, टाइम दिखा रहा है ना, तो 1 आवर कितने का इंटरवल लिया हमने,
आवर्स में लिया, एक एक घंटे का इंटरवल है, ठीक है। 1 आवर इज शोन बाय 1 बिग डिवीजन ऑन वाई एक्सिस, दिस इज द टेम्परेचर। 1 डिग्री फेरनहाइट इज शोन बाय, हमने कितने कितने का गैप लिया यहाँ पे, 2 इंटरवल, यानी कि 2, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे कितने का गैप है, 2 डिवीजन का, तो 2 बिग डिवीजन हमने ये लिखा, 2 बिग डिवीजन्स। टाइम जो है वो हमने लिया है 1 बिग डिवीजन, और जो ये वाला जो ग्राफ है इस तरफ वाला, इसमें हमने लिया है 2 बिग डिवीजन, ठीक है। वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को हमने लिया है 2 बिग डिवीजन में, और एक्स एक्सिस टाइम को हमने लिया है 1 बिग डिवीजन में, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द बस इज गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी स्टार्टिंग एट 4 o'clock, 4 hours, 4 बजे, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बस एट डिफरेंट आवर्स इज गिवन बिलो, 4 बजे से स्टार्ट हुआ, फिर अलग अलग टाइम पर जो स्पीड है वो हमें गिवन है, तो ड्रॉ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द अबव टेबल। टाइम इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टाइम को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लेंगे, ठीक है। फिजिक्स में भी आप ध्यान रखेंगे, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे, और स्पीड डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमने ली वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 15, 4 बजे से 15 यानी कि 3 बजे तक, यहाँ तक हमने टाइम लिया, और यहाँ पे हमने लिया टेम्परेचर कहाँ से, सॉरी स्पीड, वाई एक्सिस पर ली मैंने स्पीड, स्पीड किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम है आवर्स में। तो स्पीड हमने स्टार्ट करी 30 से, तो 30 तक, 0 से 30 हमने क्या लगा दिया यहाँ पे किंग, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो 30 से स्टार्ट है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये मैंने ले ली स्पीड। तो 4 o'clock स्पीड जो है वो है 30, ये वाला पॉइंट आ गया। 6 o'clock स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, फिर 8 o'clock 60, 10 o'clock 45, 12 o'clock 80, और 14 o'clock कितनी देर रखी है, 70। ये सारे पॉइंट्स हो गए, इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम स्केल, स्केल लिखा, एक्स एक्सिस पर क्या शो हो रहा है हमारा टाइम, ऑन एक्स एक्सिस 1 आवर इज इक्वल टू 1 बिग डिवीजन, ऑन वाई एक्सिस कितने कितने का किलोमीटर का हमने डिफरेंस लिया है, 10 10 किलोमीटर का, तो हम लिखेंगे 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा सा मैं साफ लिख देती हूँ इसे, 10 किलोमीटर पर आवर ऑन वाई एक्सिस, 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2 बिग डिविजन्स, जितने जितने का हम गैप्स लेते हैं वो हम शो करते हैं। यहाँ पे हमारा आर में एक एक 1 1 आर का डिफरेंस है, तो मैंने 1 आर लिखा है, यहाँ पे स्पीड में 10 10 स्पीड का डिफरेंस है ना, तो वाई एक्सिस पर 10 किलोमीटर पर आर किससे शो हो रहा है, 2 बिग डिविजन से, ये है हमारा स्केल। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ वीट ग्रोन बाय हीरा इन डिफरेंट ईयर्स, तो हमें अमाउंट ऑफ वीट गिवन है और ईयर्स गिवन से, ठीक है। तो ईयर है 95, 96, 97, 98, 999, 2000, ये मैंने ले लिया x एक्सिस पर, ईयर्स को x एक्सिस पर ले लिया 95, 96 अप टू 2000, और वीट ग्रोन इन क्विंटल्स, 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 kg होते हैं, तो कितने क्विंटल्स गिवन है, 95 में 240, 96 में 220, 97 160, 98 250, 270 एंड इन 2000
2000 में 300, ठीक है। अब लिया हमने 95 से स्टार्ट किया, 95 में 240, यहाँ पे मैंने y एक्सिस ले लिया, y एक्सिस में ये है वीट ग्रोन, प्रोडक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, वीट का कितना प्रोडक्शन हुआ इन क्वांटल, इन क्वांटल्स, और यहाँ पे है टाइम इयर्स। 95 में 240, तो मैंने 160 से स्टार्ट किया है और 2020 का डिफरेंस लिया है, ठीक है, 160, 180, 200, तो 95 में 240 यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया, 1996 में 220, 1996 में मैंने यहाँ पे लिया 220 पे, 1997 में 160 ये वाला पॉइंट, 1998 में 250 हो जाएगा हमारा 240 और 260 के बीच वाला पॉइंट, फिर 1999 में 270 ये वाला पॉइंट, 260 और 280 के बीच में, और 2000 में 300, इन ईयर 2000 300 ये वाला पॉइंट, फिर हमने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। और अब हम लिख देते हैं इसके स्केल के बारे में, यहाँ पे साइड में ऑन एक्स एक्सिस वन ईयर इज इक्वल टू, दो बिग डिवीजन लिए मैंने, ठीक है, वन ईयर इज इक्वल टू टू बिग डिवीजन, और ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में क्या लिया है हमने, कितने कितने का, कितने कितने का डिफरेंस है, 20-20 क्विंटल, तो 20 क्विंटल्स, यहाँ पे भी टू बिग डिवीजन है देखो, ठीक है, एक डिवीजन यहाँ से, एक डिवीजन यहाँ से, यहाँ पे भी टू टू डिवीजन है, नीचे भी और ऊपर भी, तो 20 क्विंटल इज इक्वल टू टू बिग डिवीजन,